हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में थ्रोम्बोफोब ऑइंटमेंट के कंपोजिशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूसेज, डोसेज और इनके साइड इफेक्ट्स के बारे में जानेंगे। थ्रोम्बोफोब ऑइंटमेंट जाइडस हेल्थ केयर लिमिटेड का एक फेमस प्रोडक्ट है। इसके प्रत्येक एक ग्राम में हिपेरिन सोडियम 50 इंटरनेशनल यूनिट और बेंजाइल निकोटिनेट 2 मिलीग्राम होता है। इसमें प्रिजर्वेटिव के तौर पर सॉर्बिक एसिड मिलाया जाता है। हिपेरिन एक एंटी कोगुलेंट है जो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन यानी खून के थक्का को बनने नहीं देता है और बेंजाइल निकोटिनेट एक वैसोडायलेटर है जो ब्लड वेसल्स को फैला देता है, जिससे हिपेरिन का एब्जॉर्प्शन और ब्लड फ्लो दोनों ही बढ़ जाता है। अर्थात थ्रोम्बोफोब ऑइंटमेंट ब्लड वेसल्स में खून के थक्का को जमने नहीं देता है, साथ ही साथ खून के प्रवाह यानी ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है। इनका यूज सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस या वेरिकोस वेन्स में होता है। इन सभी में वेन्स में खून का थक्का बन जाता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। थ्रोम्बोफोब ऑइंटमेंट का यूज इंजेक्शन साइट थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में भी होता है। कभी कभी इंजेक्शन लिए हुए जगह में खून का थक्का जम जाता है, जिससे वहाँ की मांसपेशियाँ लाल, कड़ा और फूल जाता है, जिसे इंजेक्शन साइट थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कहते हैं। थ्रोम्बोफोब ऑइंटमेंट का उपयोग ज्वाइंट स्प्रेन, ब्रूजिंग ड्यू टू ब्लड क्लॉट और सर्जरी जहाँ खून का थक्का जमने की संभावना हो में भी किया जाता है। ध्यान रहे वैसे पेशेंट्स जिनमें प्लेटलेट की संख्या कम हो या ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो में थ्रोम्बोफोब ऑइंटमेंट का उपयोग नहीं करना चाहिए और प्रेगनेंसी के दौरान भी थ्रोम्बोफोब ऑइंटमेंट का उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग मदर में थ्रोम्बोफोब ऑइंटमेंट का उपयोग आवश्यकतानुसार किया जा सकता है। इनके कुछ माइनर साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे स्किन रैश और स्किन स्वेलिंग। इनका डोज है अफेक्टेड एरिया में प्रतिदिन 2 से 3 बार लगाएं। थैंक यू फ्रेंड।